हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू गाइस। खुशखबरी है, तोहफा है अतिथि शिक्षकों के लिए। जी हाँ, गेस्ट टीचर्स अब 60 साल तक पढ़ा सकेंगे। ये मेरे पास दो न्यूज़ हैं। अभी एक न्यूज़ आपके सामने है, एक न्यूज़ इसके बाद मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा झोल भी है इसमें, लेकिन जो अभी ये पढ़ा सकेंगे वाली चीज़ है, ये अटकी हुई है। कहाँ पर? LG की तरफ से। देखिएगा, दिल्ली में अतिथि शिक्षक अब 60 साल की उम्र तक पढ़ा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में इसके लिए नई नीति को मंजूरी दी है। तो भाई, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। आगे क्या झोल है? LG की सहमति मिलने के बाद सभी अतिथि शिक्षक दिल्ली में नियमित शिक्षकों की उम्र तक काम कर सकेंगे। तो बात आकर अटक गई है LG तक। बाकी आप कंप्लीट न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं कि भाई 64,000 जो टोटल टीचर्स हैं राजधानी में पढ़ा रहे हैं, उनमें से 22,000 अतिथि शिक्षकों की भी संख्या है और 15 लाख से ज़्यादा छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक मैं दूसरी न्यूज़ की तरफ आता हूँ, जिसमें बहुत से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि ये चीज़ें कहाँ पर जाकर अटक सकती हैं। देखिएगा न्यूज़ फ्रेंड्स, ये दूसरी न्यूज़ है, सेम डे सेम न्यूज़पेपर से। देखिएगा, सरकार बोली अतिथि शिक्षक सुनवाई होने तक पढ़ाएं। भाई, ये सुनवाई होने तक का क्या बात है, ये भी देख लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने सभी अतिथि शिक्षकों को फिर से स्कूल जाने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए वह जाकर स्कूल में शिक्षाएं दे। अब क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि क्या जो गेस्ट टीचर्स हैं वो सिर्फ तब तक पढ़ाएंगे जब तक एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उसके बाद फिर से उनका सेशन ओवर कर दिया जाएगा। अब आगे की बात आती है, जब तक अदालत की अगली सुनवाई नहीं हो जाती वह स्कूलों में पढ़ाएं। तो क्या जब तक यह केस हाईकोर्ट में अटका रहेगा तब तक ही टीचिंग कंटिन्यू रहेंगी? अब आगे देखिए, इस आदेश को सभी उप शिक्षा निदेशकों को लागू करने के लिए कहा गया है। कहने का मतलब कि भाई, ये जो आदेश दिया गया है ये स्कूलों में तो लागू हो ही जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर बात की जाए 22,000 गेस्ट टीचर्स की, तो भाई स्कूल में से एकदम से हटा दिए गए हैं ये। और आपको पता है 28 फरवरी 2019 में इनका सेशन ओवर हो गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट था एज पर हाईकोर्ट गाइडलाइंस उन्हें हटा दिया गया था। ऑब्वियस सी बात है कि भाई 22,000 टीचर अगर एकदम से स्कूलों में से निकाल दिए जाएंगे, तो अपकमिंग ये जो अभी एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं मार्च में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं, सभी क्लासेस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही हैं। क्या सिर्फ उन मैनेजमेंट को एक भाई वो ठीक ठाक तरीके से चलते रहें, इसीलिए उनको फिर से रिज्वाइन कराया जा रहा है? क्या सरकार सच में चाहती है कि इन्हें परमानेंट किया जाए 60 साल की उम्र तक, जैसा कि हरियाणा गवर्नमेंट में 58 ईयर तक का शेड्यूल है और वहाँ पर किया गया है? लेकिन कितना ठीक है कितना गलत, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ एक है कि भाई, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, उन्हें परमानेंट टीचर के तरीके से मिले या किसी भी तरीके से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें ही ये सीट्स, ये रिज्वाइनिंग्स मिलनी चाहिए। उसके लिए चाहे फिर सरकार कोई पैरामीटर्स डिसाइड करे, या वो इंटरव्यूज कंडक्ट कराए, या कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गेस्ट टीचर्स के लिए भी, लेकिन जो भी ज्वाइनिंग हो स्कूल्स में, रिज्वाइनिंग हो या फिर परमानेंट टीचर उन्हें बनाया जाए, तो उस पर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन होने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पॉइंट क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंप्लीट न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अभी न्यूज़ इतनी ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डू व्हाट एवर आई वांट टू डू एंड ट्राई टू बी व्हाट आई वांट टू बी, माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।